हेलो दोस्तों, मैं श्री श्रद्धा टेस्ट गार्डन रिवर्स बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये टमाटर के पौधे हैं हमारे, इलामेरा टमाटर है जो सेल्फ ग्रो हो जाते हैं। वो हमारे यहाँ बघेरी में लामेरा टमाटर बोलते हैं कि कहीं भी कचड़े वगैरह में जो बीज वगैरह पड़ जाते हैं या गोबर की खाद में बीज रहते हैं या कोई किचन से जो कचड़ा डालते हैं उसमें रह जाते हैं और सेल्फ उगाए तो उसको लामेरा बोल देते हैं। तो दोस्तों इसको लामेरा बोलिए या सेल्फ जो ग्रो हो जाते हैं पौधे तो वो बोलिए। तो हम लोग भी सभी गार्डन जो 2 से 3 साल पुराने हो गए हैं तो वो से जो अपने टेरिस से वेस्ट निकलता है उनको यूज करते हैं। जैसे अभी पेड़ पौधे पुराने हो जाएंगे, मैं दूसरी जब मिट्टी बनाऊंगी और इनका ये सीजन ख़त्म हो जाएगा तो इनको भी नीचे दबा देते हैं। अगर पौधे स्वस्थ हैं, रोगग्रस्त पौधे तो हम फेंक देते हैं, लेकिन जब ये पौधे निकालेंगे और दूसरा ग्रो बैग बनाएंगे, इनका सीजन ख़त्म होगा तो इनको यूज़ कर लिया जाएगा कट करके। ऐसे सभी करते हैं। तो जो किचन वेस्ट से हमने डाला होगा या कि गोबर की खाद में ये टमाटर के बीज थे, वो देखिए इस तरह के स्वस्थ उगे हैं, ये देखिए। और इनमें देखिए फ्लावरिंग भी होने लगी है और ये तो, और सब ये किनारे उगे हैं, ऐसी जगह पर उगे हैं कि जहाँ गोड़ा वगैरह करते नहीं बनेगा। तो इसको निकाल के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करेंगे या कि फिर इसी में थोड़ी और मिट्टी डाल के, मिट्टी कम है तो इसको मैंने बनाया था कि कुछ भाजी या धनिया वगैरह बो दूंगी। फिर उधर लगातार बारिश हो गई और थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी, सर्दी जुकाम हो गई तो नहीं ठीक था, मैं नहीं बोई, बस टमाटर ग्रो हो गए। ये देखिए टमाटर है और इधर ये है और ये डार्क फ्लावर है, ये कहीं बीज था तो ये डार्क फ्लावर आ गया और ये पता नहीं क्या, ये शायद तीली का पेड़ है, तीली वगैरह झड़ जाती है तो उसका है। और एक ये निकला है, ये मेरी टूटी हुई टेबल है, ये देखिए टूटी हुई टेबल इधर से आ गया है, ये देखिए। इसको लगता मैं रहने दूँ, पर ये अभी तो ग्रो अच्छा कर रहा है, फिर बड़ा होने पर इधर स्पेस नहीं मिलेगी तो शायद उतना अच्छा नहीं चलेगा, पर ये सेल्फ उगा है, मैं रहने दूंगी। यहाँ पर एक डंडा लगा दूंगी, उसके सहारे ही आगे बढ़ता रहेगा और ये सब बड़े हो जाएंगे तो इनको लगा देंगे। और जो भी है ये लामेरा भले हैं पर ये अच्छी बीज, क्योंकि हम घर में हम लोग अच्छे टमाटर यूज़ करते हैं या कि गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद आदमी कहीं से मंगाता है तो उसमें रहता है, तो अच्छे बीज होंगे, स्वस्थ हैं, क्योंकि ये देखिए फलने लगा। इसी तरह उगा था तो मैं इसमें ट्रांसप्लांट कर दी थी, ये स्टार्टिंग बरसात में उगाया था, ये शायद जुलाई उलाई में उगा, तभी तो ये 2 से 2 माह का पौधा हो गया सिर्फ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बरसात के बाद ही उगते हैं। और जब पौधे तैयार हुए तो मैंने इसमें ट्रांसप्लांट किया था और ये देखिए कितने सारे ये फ्लावर हैं और ये सभी बीज बन, ये छोटे छोटे देखिए ये टमाटर लग गया है, ये देखिए छोटे। और कुछ पौधे दिखाती हूँ, उनमें कई सारे टमाटर लगे हैं और बड़े आकार में। तो और इसमें जो कहो गोबर, कोई खाद हमने नहीं दिया है, बस मैंने निकाला और जो मिट्टी मेरी बनी थी ये गमले में, और ये राइस खस के वगैरह है, ये देखिए इसमें मिला है राइस खस के, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। बारिश लगातार होने के बाद, अभी 2 दिन से बारिश बंद है, 2 दिन ही क्यों कही, कल पूरा दिन बंद थी, तो मिट्टी देखिए भुरभुरी है क्योंकि इसमें गोबर मिला है। मिट्टी मैं वही बनाती हूँ, नीचे वेस्ट दबा देती हूँ किसी चीज़ में, वो जब डिकम्पोज हो जाती है तो उसको मिट्टी या फर्टिलाइजर मानो, तो वो पूरी मिट्टी है उसी को फर्टिलाइजर युक्त। दूसरा जब फिर मैं रिचार्ज करती हूँ तो फिर से मैं 40% मिट्टी नॉर्मल मिला देती हूँ, इसी को चाहे मानिए फर्टिलाइजर ही 40%, और फिर 30% मैं और सड़ी हुई गोबर की खाद और किचन वेस्ट मिला देती हूँ, तो 70 हो गया। और राइस हस्क रहता तो मैं राइस हस्क की खाद में काफ़ी मिलाती हूँ, इस समय तो राइस हस्क मेरा ख़त्म हो गया है, पुरानी मिट्टी है ये तो उसमें काफ़ी मात्रा में राइस हस्क मिला है, ये देखिए, और बिल्कुल ऐसे तोड़ो किस तरह हो जाती है। तो 30% में मैं 20% राइस हस्क मिला दी, 10% में जैसे नीम खली हो गई, थोड़ा राख हो गया, थोड़ा सी बेड वगैरह जो भी अपने पास रहता है वो सब मैं मिला देती हूँ, नीम खली वगैरह। तो ये फर्टिलाइजर और फंगीसाइड दोनों का काम करते हैं और बहुत अच्छी फर्टिलाइजर होती है नीम खली और राख भी। तो बस मैं इनको मिलाती हूँ जब, तो 10% में ही मिलाती हूँ, 40% नॉर्मल मिट्टी या फर्टिलाइजर ही मानिए, और 30% में सड़ी हुई गोबर की खाद किचन वेस्ट, और इसके बाद 20% में राइस हस्क, नहीं है राइस हस्क तो फिर मैं वो मिला लेती हूँ सैंड। और वैसे सैंड मुझे बहुत कम मिलाना पड़ता है, मेरी मिट्टी भुरभुरी रहती है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल से तैयार होती है और फर्टिलाइजर वैसे ही भुरभुरा होता है, और 10% में सारी सामग्रियाँ मिला लेती हूँ। तो दोस्तों वही बनी मिट्टी में, और ये मैंने लगा दिया था तब से मैंने कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सॉलिड
हाँ सिर्फ मैं लिक्विड दी हूँ और बारिश का पानी मिला है। बारिश का पानी वैसे ही नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो इनकी ग्रोथ देगी। जैसे कि फर्टिलाइजर देकर हमने तैयार किया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ उसी मिट्टी में लगा है तो उसी चीज़ को फर्टिलाइजर मिल रहा है। अच्छी रिच मिट्टी थी, और जो जब और पौधों में मैंने फर्टिलाइजर दिया लिक्विड, तो जो बचा किसमें भी कर दिए, क्योंकि मुझे लग रहा था लमेरा है, क्या मालूम अच्छा बीज है, अच्छा ये टमाटर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अब मैं इसका केयर करूंगी क्योंकि ये मुझे टमाटर देगा। तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं, कुछ ये ट्रांसप्लांट करेंगे ये, और एक ट्रांसप्लांट करके मैं बताती हूँ। और दोस्तों ये देखिए, ये भी लमेरा उगे हैं, इनके आकार देखिए। तो दोस्तों कुछ यहाँ भी लमेरा टमाटर जमे हैं, इनमें मैंने पालक ग्रो किया था, पालक खत्म हुई तो जो किनारे के मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं टमाटर उगे थे। और ये देखिए स्वस्थ टमाटर है, और ब्रांच देखिए कितनी सारी इसकी निकली हुई है, लेकिन सब यहाँ ऐसी जगह पर ग्रो है, एकदम किनारे किनारे ग्रो है। ऐसे ये भी देखिए, ये थोड़ी सी मिट्टी थी कि मैं इसमें कुछ लगाऊँ थी, मिट्टी थी पर ना लगा के इसकी मिट्टी हमने दूसरी जगह यूज कर ली थी, थोड़ी बची थी मिट्टी। तो देखिए यहाँ भी यही हाल है। तो ये एक टमाटर मैं धीरे से निकालूंगी, टमाटर निकाल के आपको मिट्टी सहित और ट्रांसप्लांट करके बताती हूँ कि इसको ट्रांसप्लांट कैसे करें। ये निकला है दोस्तों। अब ये जो इसके एक्स्ट्रा ब्रांच है, ये इसको हटा देना चाहिए। और देखिए कोई बीमारी भी नहीं लगी है। मैंने थोड़ा चूने का, जब ये लगा तो मैंने चूने का स्प्रे किया था। हम क्या, ये टमाटर अच्छे दिख रहे हैं, चूने का इस्प्रे करने से जो हल्के फंगस वगैरह रहते हैं, इंसेप्ट वगैरह, वो ख़त्म हो जाते हैं। बनी हुई है, बस ये बारिश लगातार हुई है 2-3 दिन, उसकी वजह से गीली है, बहुत ज़्यादा गीली थी। कल से बारिश नहीं हुई तो थोड़ा ये मिट्टी ठीक हो गई। और मिट्टी मैंने बता दिया कि मैंने कितना कितना क्या मिलाया था। तो ये बनी बनाई मिट्टी में मैं ये पूरा गड्ढा कर दूंगी, क्योंकि दोस्तों टमाटर क्या है, ऊपर फिर जड़ें बनती है टमाटर की, तो मैं इसको इतना दबा दूंगी। और देखिए एक्स्ट्रा ब्रांच जो ये सर उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ब्रांच, उसको कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ वो फर्टिलाइजर लेती हैं, और फ्लावर तो आते हैं लेकिन फर्टिलाइजर ज़्यादा लेती हैं और उसमें फल नहीं बनते हैं। उनको साफ कर दो। अब ये हमारा स्वस्थ टमाटर है, तो मैंने परसों इसमें चूने का, जो आपको वाइट वाइट दिख रहे हैं ना ये कहीं कहीं पत्तियाँ, और इसमें अभी लगा था चूने का, हमको लगा फर्टिलाइजर ये बहुत अच्छे टमाटर है, तो मैंने चूने का लिक्विड बना के, और मैंने चूने का जो है फर्टिलाइजर शेयर किया है, वीडियो बनाया है कि इसमें कितनी मात्रा देना चाहिए पौधे के हिसाब से और कितना चूना देना चाहिए। तो वो क्योंकि चूना बहुत अच्छा फर्टिलाइजर भी है और फंगीसाइड का काम करता है, ये ब्रांचों को हमारे मजबूत करता है, पत्तियों की चमक लाता है और फूल बनने में मदद करते हैं। अच्छा फर्टिलाइजर है और सरल भी मिलता है दोस्तों, घर में चूना रहता है आप कर दो, नहीं चूने का कर सकते हैं आप, दूध में कैल्शियम बहुत रहता है, दूध का भी कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरा इसको दबा दिया ये मिट्टी से, और धीरे से मैं पुश कर दूंगी, ये पूरे अच्छे तरह से ये दबा देंगे। और इसमें मैं एक ही टमाटर लगाऊंगी बस, और ये ग्रो बैग तो मेरा बड़ा है जी, धीरे से पुश करेंगे कि जो फालतू हवा और डायरेक्ट पानी जो है ना जाए तनों में, भी नहीं तो तना गल जाएगा। और इसमें मैं ये लकड़ी का सहारा दूंगी क्योंकि अब इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, और मिट्टी भी दूंगी। मिट्टी देखिए बहुत कम है, जो भी है लेकिन ये देखिए बहुत कम है। ये अगर हम गोड़ा नहीं कर सकते हैं तो भुरभुरी मिट्टी में गोड़ा तो करना चाहिए 1-2 महीने में, लेकिन ये अगर नहीं कर पाए हम तो एयर सर्कुलेशन बना रहता है बिना गोड़ा के भी, और जब टाइम लगे तो हम अपने हाथ से ही ऐसी मिट्टी को कर सकते हैं। तो भुरभुरी मिट्टी जो हम अपने वेस्ट से बनाते हैं बहुत अच्छी होती है, और साथ में अगर राइस इसके मिला दें, और ऊपर टमाटर दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हाथ में दोस्तों ये भी लमेरा टमाटर है, ये देखिए बस वही जो लमेरा टमाटर था, ये देखिए गुच्छों में भरा हुआ है, ये फल आ गए हैं, ये देखिए इधर भी देखिए फल आए हैं, और इधर में ये फल आए हैं, ये देखिए। अब ये छोटा वाला टमाटर है या बड़ा वाला है, जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसका रिजल्ट समझ में आएगा कौन सा है। तो बस मैंने वही लगा था, कई बार वीडियो शेयर, जब भिंडी की मैंने वीडियो शेयर की है तो उसमें ये टमाटर दिखा होगा कि भिंडी वाले वीडियो में वो लगा हुआ था, लमेरा अपने आप से भिंडी की जब मैं मिट्टी बनाई थी तो उस मिट्टी में रहा होगा, या कि फिर मैंने अलग से मिट्टी दी थी और किचन वेस्ट का लिक्विड भी डाला था, या कि फिर गोबर की खाद में, तो ये था, वो तो मैंने बता दिया आपको। तो भिंडी में जो मैं फर्टिलाइजर डालती थी या भिंडी में कोई इंसेक्ट डालती थी तो इसमें भी डाल देती थी, तो देखिए ये जल्दी तैयार हुआ, ये देखिए आपके सामने ये,
और ये बहुत दिनों का नहीं है, इसे 2 माह के लगभग बल्कि कम ही है जब मिट्टी मैंने बनाई भिंडी ट्रांसप्लांट, क्योंकि भिंडी का सीजन तो जानते कब होता है, अब भिंडी का सीजन जाने भी लगा, मैंने भिंडियाँ निकाल भी दी हैं। तो भिंडी जब 15-20 दिन हो गई थी तब मैंने ट्रांसप्लांट किया था, और 1.5-2 माह में भिंडी का सीजन खत्म हो जाता, फल दे के चली जाती। तो मैं हल्के हाथ से गोड़ा करूँगी और मिट्टी से ये फूल भरा हुआ है, और इसमें 3 पौधे लगे हैं, और जो ये सकर्स हैं, ये एक्स्ट्रा जो ब्रांच हैं, इनको मैं ये निकाल दूंगी, ये कोई मतलब की नहीं है, ये धीरे से, तो ये क्योंकि ये एनर्जी बस वेस्ट करेंगे और मतलब नहीं निकलेगा, और धीरे धीरे ये घने हो जाएंगे। और दिखाते हैं हम आपको, स्वस्थ टमाटर लगा है, ये भी ये अपने आप सूखा था, ये मैं यहाँ ककड़ी लगाई थी खीरा उसमें तैयार हुआ, इसकी भी एक्स्ट्रा ब्रांच निकालना। ये जो थोड़ा है मैं चूने का ऊपर का पानी डालती हूँ, वो धीरे से नीचे चूना का वो हल्का रात में मैं डाल दी हूँ धोखे से, तो नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसी तरह है और इसमें मैंने सहारा लगाया है। अब ये मैं फिर से इसको गोड़ा करूँगी, और सूखी गोबर की खाद, नीम खली, थोड़ा राख। तो दोस्तों अब इसमें ढेर सारे फल आएँ और ये अच्छी ग्रोथ करे और बहुत घना हो, तो मैंने पिंच तो नहीं कर पाया, अब मैं इसमें नहीं करूँगी, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हो जाएगी, घना हो जाएगा, अब फल बनने लगे हैं, तो लगता पिंच कौन करे इसकी, जो बस ये शकर्स हटा देंगे, ये धीरे से ये कट करके मैंने हाथों से ही निकाल दिया, और इसको ऐसे ही जाने देंगे। अब गोड़ा करके इसमें कि हमारी टमाटर अच्छे हैं, तो मैं बढ़िया वही गोबर की खाद, जो पहले मिट्टी बनाती हूँ, तो 2 मुट्ठी बड़ा पॉट है, 2 मुट्ठी गोबर की खाद डालूंगी, नीम खली थोड़ा सा डालूंगी, सीवेड और पोटाश डालूंगी, और इसके बाद मैं लिक्विड देती रहूंगी, उसी से मेरे पौधे तैयार होंगे। तो दोस्तों सरसों की खली का लिक्विड आप डालिए, उसमें जो और चीज़ें मिली रहती, बहुत ही अच्छी सरसों खली होती है हमारे टमाटर के लिए, हमारे अन्य पौधों के लिए, और साथ में हम गोबर की खाद का भी लिक्विड दे सकते हैं, और साथ में बनाना पील एंजाइम भी, ये मैंने बनाया है, कुछ आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जो वो टमाटर अभी दिखाए थे यहाँ पर लगे हुए थे, आपने देखा होगा, इधर मैंने मूली के बीज डाल दिए, भिंडी हटा दिए, कुछ भिंडी लगी हैं कि लगता 2-4 फल मिलेंगे, पुरानी थी सब निकाल दिए हैं, खाली हो गया। और ये भी लमेरा टमाटर है, ये भी देखिए कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, ये देखिए, और ये घना हो रहा धीरे धीरे, नीचे की ब्रांच निकाल लेंगे, और ये भी मैं कहीं रिपोर्ट करूँगी इसको भी, तो हो जाते हैं। और दोस्तों ये फूल देखिए मेरे कितने अच्छे, मैं वही लिक्विड बना बना डालती रहती हूँ घर में, कुछ भी नहीं डालती है एक्स्ट्रा। और दिखाते हैं आपको, तो ये देखिए लमेरा टमाटर, ये इसको मैं यहीं रहने दूंगी, ये भी अपने आप से हुआ है, अपने आप से तैयार, ये देखिए। तो इसमें भी मैंने कल गोड़ा करके वही गोबर की खाद जो मिश्रण मैं बनाती हूँ हर वीडियो में बता, गोबर की खाद और किचन वेस्ट, थोड़ा सा नीम खली और राख मैं मिलाती हूँ, और ये सब देखिए फ्रूटिंग इनकी होने लगी है बहुत जल्दी, क्योंकि इनको भिंडी के साथ एनर्जी मिलती रही है। और इसमें इतना वेस्ट भरा है, जब ये पूरी टंकी मेरी, ये किचन वेस्ट जो मैं सब्जियां इसी में, जितना मेरा कचरा निकलता था सब्जी और सलाद का छिलका फल का, मैं इसमें डालती जाती थी, और बीच में सूखा जो आम के पत्ते से उससे लेयर लगाती थी, गीला कचरा फिर सूखा, और साथ में मैं जो ये गोबर की खाद मिट्टी उनका लेयर लगाती थी। जब ये पूरा फूल हो गया तो धीरे धीरे मैं पानी, गुड़ का जो लिक्विड होता है उनको मैं सींची, और जब नीचे इतना कचरा चला गया तो मैं मिट्टी ऊपर कवर करके, और इसमें मैं पिछले साल ठंड में टमाटर ही लगाए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, मैंने कई वीडियो शेयर किए, और उसी मिट्टी में मैंने थोड़ा सा धूप दिखाया था हल्का, और रिचार्ज करके मैंने भिंडी लगाया था, तो सब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, मुझे भिंडी भी मिली और देखिए टमाटर भी, देखिए 1.5-2 माह का टमाटर है, और इसका रिजल्ट आप स्वयं लगा सकते हैं कि फर्टिलाइजर कितनी अच्छी है। दोस्तों जो अपने वेस्ट का हम मिट्टी या लिक्विड अपने घर का तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना पड़ता, उसी से हमारे पौधे तैयार होते रहते हैं। ये दोस्तों अब एक ही बार हम सॉलिड फर्टिलाइजर देंगे, बाकी लिक्विड देते रहेंगे 7-8 दिन में हल्का, तो हमारे पौधे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह का लिक्विड मैं बनाती हूँ, ये देखिए जो ये अनार है, सेब है और केला है, और थोड़ा मैंने मुनगा की कुछ पत्तियों को डाल दिया और गुड़ को डाला है, तो बस ये परसों डाला है, ये मेरा लगभग रेडी, पर अभी 1-2 दिन मैं और करूँगी कि अच्छे से डिकम्पोज हो जाए, और इसको छान के कपड़े से ये फर्टिलाइजर बिन में डाल देंगे, और इसका लिक्विड पानी मिला के हम ये 3 लीटर छानने पर निकलेगा इसका लिक्विड, तो मैं उसमें 7-8 लीटर और पानी मिलाकर अच्छे से अपने मिट्टी, पौधे की मिट्टी में दे देंगे, जब मेरी मिट्टी सूखी रहेगी, बारिश ना होगा तब, हल्की नमी रहे शाम के वक्त,
और अगर बारिश हो जाती है तो जब बारिश रुके तो हम अपने पत्तों में स्प्रे कर सकते हैं। पत्ते भी फर्टिलाइजर को शोषित जल्दी करते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अब मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि फर्टिलाइजर के साथ साथ हमें पूरे दिन की इसमें धूप दिखाना पड़ेगा, पूरे दिन की सनलाइट आए तभी हमारे पौधे अच्छे ग्रोथ करेंगे, नहीं तो बीमार हो जाते हैं। धूप की कमी से भी पौधे बीमार होते हैं और पोषक तत्व सही न मिलने पर भी बीमार हो जाते हैं, फ्लावर झड़ने लगते हैं। तो हमें इनको पूरा धूप में रखना है। जब ये अभी अक्टूबर, कभी कभी धूप थोड़ी ज़्यादा, अब तो धूप होगी नहीं, धूप का सीजन गया, अब कड़ी नहीं होगी, जितनी होगी धूप तो टमाटर भी हमारे पर्याप्त है। और पानी की इसमें मात्रा कम दें, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर हमारे टमाटर के फूल झड़ने लगते हैं, वो फिर फल में नहीं बनेंगे। और दोस्तों नीम, हम जो बीच बीच में अपनी जैसे इस तरह की कंडीशन में हो गए, काफ़ी ग्रोथ हो गई है और ये फल फ्लावर बनने लगे हैं, तो फल में लेने के लिए हमें सप्ताह में लिक्विड जरूर करना चाहिए बदल बदल की, लेकिन ऐसा लिक्विड बदल बदल के करना चाहिए जिसमें इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, पोटास सभी कुछ की मात्रा ज़्यादा हो। पोटास की और कैल्शियम की, आयरन की, आयरन से पत्ते पी लेना पड़े और कैल्शियम से इनकी ग्रोथ अच्छी हो, फ्लावरिंग में भी मदद होती है। तो नीम खली का लिक्विड और सरसों की खली का लिक्विड ये बहुत ही अच्छे होते हैं। और साथ में मैंने उसमें जैसे आप मूंगफली वगैरह मिला लें, तिल वगैरह मिला लें, सोयाबीन, राजमा, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। या कि फल का डालें, फल के जो मौसमी फल आते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, साथ में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीस, कैल्शियम सभी कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों हम जो भी डालें सलाद का या फलों का या सरसों की खली का, जो भी अपने घर में आप बनाते हो, तो उनको समय समय से पत्तियों में स्प्रे करें और मिट्टी में भी देते रहें और शाम के वक्त दें। और दोस्तों पानी उतना ही दें जितना हम पौधों की जड़ों में नुकसान ना हो, तो हमारे फ्लावर अच्छे आएंगे और टमाटर के पौधे भी ख़राब नहीं होंगे, फंगस नहीं लगेगा। और ड्रेनेज होल भी हमको समय से चेक कर लेना चाहिए कि पानी ना रुके, अगर एक्स्ट्रा पानी बारिश का हो गया है या हम लोग धोखे से डाल दिए हों तो ड्रेनेज होल से बाहर हो जाए। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो टमाटर, चाहे हम अपने से ग्रो हों या हम खुद ग्रो करें, हमको ढेर सारे फल मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।